जिस तरीके से टाइगर फ्रेंचाइजी की पहली मूवी को 15 अगस्त के टाइम पर रिलीज किया गया था, हालांकि ये मूवी तो जून के ही महीने में बनकर तैयार थी, उसी तरीके से फिर से ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आने वाली मूवी यानी कि टाइगर 3 भी हमें किसी नेशनल फेस्टिवल पर देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी ये पॉसिबिलिटी है कि ये मूवी हमें 26 जनवरी के दिन देखने को मिल सकती है। साथ ही जिस तरीके से आपने देखा कि एक था टाइगर कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर होकर बनाई गई थी, साथ ही टाइगर जिंदा है भी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड ही कहानी थी, उसी तरीके से इस बार भी ऐसा हो सकता है। हाँ, हालांकि ये पूरी कहानी तो किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से कॉपी नहीं होगी क्योंकि इस मूवी को स्पाई यूनिवर्स से भी जोड़ना है, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ इंसिडेंसेस इस मूवी में काफ़ी सीन्स ऐसे फिल्माए जाएँ जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर हो, उन सीन्स को रिक्रिएट किया जाए इन मूवी में। मूवी के एक्शन सीन्स के लिए इस बार टॉम श्रूतर को इनविटेशन मिलने वाला है। टाइगर जिंदा है में भी उन्होंने काफी सारे एक्शन सीन्स कोरियोग्राफ किए हैं और मूवी के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा और डायरेक्टर अली अब्बास को उनकी ये कोरियोग्राफी बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले पार्ट्स में भी टॉम को इनविटेशन मिल सकता है आगे एक्शन सीन्स को कोरियोग्राफ करने का। साथ ही आपको बता दें, टॉम श्रूतर एक बहुत ही पहुंचे हुए एक्शन सीन डायरेक्टर हैं। उन्होंने कई सारी उम्दा मूवीज जैसे कि इन्फिनिटी वॉर, इंसेप्शन और भी कई सारी ऐसी मूवीज में उन्होंने एक्शन डायरेक्ट किया है। साथ ही क्रिस्टोफर नॉलन के साथ उनका एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उनकी हर मूवी में वही एक्शन सीन्स डायरेक्ट करते हैं। तो इस बार भी ऐसा कहा जा रहा है कि आदित्य चोपड़ा उन्हें इन्विटेशन दे सकते हैं टाइगर में फिर से एक्शन डायरेक्ट करने के लिए, एक्शन कोरियोग्राफ करने के लिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाइगर 3 की शूटिंग पोस्टपोन भी हो सकती है क्योंकि हाल ही में सलमान खान को कई सारे लाइव थ्रेट्स मिल रहे हैं और मुंबई पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि 11 तारीख की सुबह को भी उन्हें काफ़ी लाइव थ्रेट्स मिले थे, जिसकी वजह से सलमान की जान को आजकल बहुत खतरा बना हुआ है। कहीं भी उनका जाना खतरे से खाली नहीं है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, उन्हें भी काफ़ी चेतावनी दी गई थी, इसलिए अब सलमान खान की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। उन्हें घर से भी निकलने के लिए मना किया गया है, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अब उनका किसी भी मूवी के सेट पर जाना इतना सेफ नहीं है। उन्हें एक रियलिटी शो में भी इनवाइट किया गया था जो कि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कैंसिल कर दिया अपनी सेफ्टी की वजह से, इसीलिए अब टाइगर 3 की शूटिंग भी उनकी सेफ्टी इश्यूज की वजह से पोस्टपोन हो सकती है। तो हो सकता है कि ये मूवी हमें थोड़ी सी देर से देखने को मिले। आप इस मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बॉलीग्राह स्टूडियोज को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। नमस्कार।